तो हेलो गाइस, राम राम आप सभी को। तो गाइस, मैंने कल क्या ना अपनी आईडी पे एक वीडियो अपलोड किया था। उसमें जो राम प्रसाद मीणा है, उनके लिए मैंने उनके परिवार के लिए कुछ वर्ड कुछ मतलब कोई उनके लिए बोला था वीडियो के अंदर। वो बोला था वो ठीक था, लेकिन मैंने उनका अपने जो खुद का वीडियो था वो अपने आईडी पे अपलोड कर दिया था। तो इस वजह से उस वीडियो को यूट्यूब वालों ने मेरी आईडी से डिलीट मतलब डिलीट किया, उसके प्रति कम्युनिटी गाइड के खिलाफ आके मेल भेज दिया। तो ये अपने हम अपने अपनी आईडी में नहीं डाल सकते, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अपन कोई न्यूज वाले नहीं है। अपन बोल के कुछ भी डाल सकते हैं, जबकि उनका वीडियो अपनी अपने वीडियो पे अपलोड नहीं कर सकते। तो वो मैंने गलती कर दी है, तो इस वजह से मेरा वो वीडियो ही उन्होंने डिलीट कर दिया। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने आज तक जब से वीडियो बनाने लगी हूँ ना, तब से एक भी दिन ऐसा नहीं छोड़ा है कि मेरा वीडियो नहीं आया। आज पहली बार हुआ है कि मेरी आईडी से वीडियो डिलीट हो गया और आप लोगों को वीडियो देखने को नहीं मिला। तो इसलिए मैं शाम को क्या ना अपना ब्लॉग, जो भी डेली ब्लॉग आता है वो डालूंगी। तो प्लीज़ आज मुझे आप लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे चैनल में थोड़ी सी दिक्कत आई हुई है। तो आप जितना मेरे वीडियो को सपोर्ट करोगे, आपका प्यार दिखाओगे उसमें, तो मुझे उतनी हेल्प मिलेगी आप सबसे। और मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है, ये वीडियो कि कोई भी आप ऐसा जो भी यूट्यूब पे हैं, जो भी वीडियो बनाते हैं, तो कोई भी ऐसा वीडियो नहीं डाले जिससे कि अपने चैनल पर कोई दिक्कत आए। क्योंकि अपन ऐसे डाल ही नहीं सकते, गलत होता है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सी पॉलिसी होती है जिनको ध्यान में रखना पड़ता है। मुझे आइडिया नहीं था इसलिए मैंने डाल दिया। अब आप लोगों को मैं बता रही हूँ कि आगे से आप कभी भी ऐसा वीडियो मत डालना जिससे आप लोगों को दिक्कत आए। तो इसलिए मैं आप लोगों से सपोर्ट की जरूरत है कि पहली बार ऐसा हो गया है। तो आप लोग जितना मेरे को प्यार और सपोर्ट दोगे ना, तो मेरी आईडी में जो भी इश्यू आए हुए हैं ना, तो आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से पूरे हो पाएंगे। तो आज शाम को हमारे अपना जो डेली ब्लॉग आता है वो ब्लॉग आएगा। तो प्लीज़ गाइस, आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट दिखाना मेरे उस वीडियो पे। आप लोग जितना उस वीडियो को लाइक और प्यार दोगे ना, उतना मेरे चैनल में जो भी दिक्कत है वो ठीक होगी। देखते हैं, फिर मिलते हैं शाम के वीडियो के साथ क्या होता है।